इधर भारत ने इस परेड में बनाई जगह, उधर सूर्या का जिगरी यार हो गया वर्ल्ड कप से बाहर। वर्ल्ड कप में अकेले ही मचा रहा था तबाही, लेकिन एक गलती की वजह से बैठना पड़ेगा बाहर। पठानों की टीम को लगा सबसे तगड़ा झटका, पहली बार मैदान पर ही निकले राशिद खान के आंसू। दिग्गज खिलाड़ी के बाहर होने से टूट गई अफगानिस्तान की टीम। राशिद ने कहा, बहुत बुरा हुआ, अब ये खतरनाक ओपनर करेंगे सूर्या के दोस्त को रिप्लेस। अकेले ही छुड़ा दिए थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पसीने। धोनी को मानता है अपना गुरु, विराट कोहली से ली है बल्लेबाजी की ट्रेनिंग। वर्ल्ड कप में 10 टीमें बाहर हो चुकी हैं, जबकि 6 टीमों ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने भी अपनी जगह आगे के लिए बनाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत और अफगानिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में आगे के मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर गई, यानी सुपर 8 में पहुंच चुकी है। मगर चौंकाने वाली बात है कि इस बार अमेरिका जैसी टीम ने पहली बार इतिहास रचते हुए सुपर 8 में अपनी जगह बनाई। अमेरिका ने पाकिस्तान की टीम को पीछे छोड़ते हुए ये कारनामा किया। सभी टीमों के आगे चुनौती है कि आगे के मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन करें और ट्रॉफी को अपने नाम करें। मगर इसी बीच अफगानिस्तान की टीम जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जो खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का दोस्त बताया जाता था, वे पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जिस तरह राशिद खान की सांस अटक गई, इस बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। अफगानिस्तान ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, राशिद खान की कप्तानी में ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा गया। हमेशा से अफगानिस्तान की टीम को कई लोग कमजोर टीम मानते थे, लेकिन इस बार उसने सभी को गलत साबित करने का काम किया। मगर आपको बता दें कि अफगानिस्तान की असली ताकत उसकी गेंदबाजी है, और खासकर स्पिन गेंदबाजी। अब स्पिन गेंदबाज के मोर्चे पर अफगानिस्तान की टीम को झटका लगा। यही वजह है कि राशिद खान भी परेशान हो गए, क्योंकि आगे के मुकाबले और ज्यादा बड़े होने वाले हैं, और ऐसे में अफगानिस्तान को अच्छे स्पिन गेंदबाजों की जरूरत है। दरअसल अफगानिस्तान के स्टार स्पिन गेंदबाज मुजीबुर रहमान वर्ल्ड कप से पूरे तरीके से बाहर हो गए। बता दें कि वो लंबे वक्त से बार बार उंगली की चोट की वजह से परेशान थे। यही वजह रही कि मुजीब ने इस बार आईपीएल को भी मिस कर दिया, लेकिन अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जो कि अफगानिस्तान के लिए बड़े झटके से कम नहीं। बता दें कि वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने अपना पहला मुकाबला युगांडा के साथ खेला था। उस मैच में मुजीबुर रहमान को खेलते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद उंगली की चोट के चलते वे आगे के मैच नहीं खेल पाए। मगर अब जब वो बाहर हो गए, तो मुजीबुर रहमान की जगह टीम में सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई को शामिल किया गया। आपको बता दें कि मुजीब की जगह पर शामिल किए गए 26 साल के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजई की ताकत किया है। बाएं हाथ का ये सलामी बल्लेबाज अपने तूफानी अंदाज के लिए जाना जाता है। एक स्पिन गेंदबाज के बाहर होने के बाद एक ओपनर को टीम में लेना मुजीब की जगह पर रिप्लेसमेंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उनकी टीम में आने से अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि जजई ने अफगानिस्तान के लिए 43 T20 मैचों में 133 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 1138 रन बनाए। अब देखना होगा कि क्या कुछ कमाल ये कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान की टीम कमाल के फॉर्म में दिख रही है। अब तक इस टूर्नामेंट में राशिद खान की टीम एक भी मैच नहीं हारी है। अफगानिस्तान ने 3 मैच खेले और तीनों में ही जीत हासिल की। ग्रुप सी में 6 अंकों के साथ अफगानिस्तान पहले स्थान पर मौजूद है। देखना होगा कि आगे अफगानिस्तान की टीम कितना कमाल कर पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी टीमों के आगे अफगानिस्तान टक्कर दे पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।